लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। ये क्या सर, आपके पास कुछ है? अरे कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे अंधे की लाठी है। कहाँ हैं आप? मैं यहां हूं इंस्पेक्टर। मैं होटल में आ चुका हूं, एक को खत्म कर दिया है और उसके हथियार ले लिए हैं, बाकी बाहर हैं, उन्हें तुम्हें संभालना है। यहां बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हमारे लिए ही तो आ रहे हैं। व्हाट? रास्ता साफ है, अंदर आ जाओ जल्दी। हेलो, हेलो हेडक्वार्टर्स, मैं शानी पैलेस से इंस्पेक्टर गौतम बोल रहा हूँ। हमें तुरंत मदद भेजिए, सबकी जान खतरे में है। बच्चे अच्छा गाते हैं, क्यों जाने? सर ठीक, 5 मिनट बाकी हैं, चलो। आपस में बैर रखना,
हेलो राजा बेटे, मैं चाचा। हाँ अरे चाचा, बस थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू। राजा बेटे, मेरे पास वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा है जो अपने आप को अंधा जाहिर कर रहा है, लेकिन वो देख सकता है, और मैंने उसके झोले में एक पिस्तौल भी देखी है। राजा, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं फौरन वहां पहुंच रहा हूं। तब तक आप इंस्पेक्टर गौतम को खबर कर दीजिए। यही तो मुश्किल है राजा, गौतम भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है चाचा, आप घबराइए मत, मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। ओके ठीक है। और एंचो, बिल्डिंग के हर कोने में हमारे आदमी पहुंच गए ना? गुड। लेकिन याद रहे, अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे बेरहम से मार डालो, अंडरस्टैंड? चलो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। फायर! चीखना चिल्लाना और भागना। अरे क्यों भाग रहे हो तुम लोग? किस लिए भाग रहे हो? भागने के लिए थोड़ी पकड़ा हमने आपको। और भाग कर जाओगे कहां? बिल्डिंग के चारों तरफ मेरे आदमी पहरा दे रहे हैं, समझे? जिसको यहां से बाहर जाना है वो जा सकता है, शौक से जा सकता है, लेकिन जो भी यहां से बाहर जाएगा अपना शरीर छोड़कर जाएगा। उदास क्यों होते हो तुम लोग? हमने भी अपने भाई बहनों को पुलिस की गोलियों से मरते हुए देखा है, लेकिन अब हम हार नहीं सहेंगे। सुनना पड़ेगी सारी मुल्क को हमारी आवाज, रिहा करना पड़ेगा हमारे उन साथियों को जो इस समय हिंदुस्तान के जेलों में सड़ रहे हैं, नहीं तो मैं तुम में से किसी को रिहा नहीं करूंगा, सबकी जान ले लूंगा मैं। इसके अलावा हमारी मांगे हैं 100 करोड़ रुपए और एक हेलीकॉप्टर जिसके जरिए हम इस मुल्क से बाहर जा सके। सुना तुमने मंत्री? सुना तुमने रक्षा मंत्री? हैरान कर दो हमारे मांगों का। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आप लोग क्या कर रहे हैं? हमसे जो हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। जो हो सकता है इसका मतलब है आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है। देखिए बहस चल रही है, थोड़ी देर में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। बहस चल रही है, क्या आप ये जिम्मेदारी कमांडोज को सौंप रहे हैं? देखा जा रहा है। राजा, राजू फॉलो मी। राजू रोल कैमरा। डिटेक्टिव राजा, क्या ये काम आपको और आपके दोस्त रैंचो को सौंपा गया है? देखिए, नो कमेंट्स प्लीज। राजू,
दोस्तों ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मशहूर डिटेक्टिव राजा और उनके साथी रैंचो हमारे साथ हैं। तो आइए हम पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। डिटेक्टिव राजा, क्या लोगों की जिंदगी बचाने का काम आपको सौंपा गया है? एक्सक्यूज मी मैडम, लेकिन सर क्या ये काम आपको सौंपा गया है या पुलिस को सौंपा गया है? मैं करूं या पुलिस करे, अपनी जिम्मेदारी समझ के करेंगे। नागरिकों को बचाना हमारा फर्ज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सर ये काम आप करेंगे? माफ कीजिए, इस तरह के मिशंस में सब कुछ सीक्रेट होता है। कब करेंगे, कैसे करेंगे, इस सब के बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैडम आप समझती क्यों नहीं, प्लीज। ओह नो, राजू कट इट। वाइस चांसलर गोखले, प्लीज टू मीट यू सर। ब्रिगेडियर साहब आप? सर कहिए क्या हुक्म है? अरे मंत्री जी, नेताजी की जय हो, जय हो, जय हो। आपको बचाने के लिए ही तो सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगा, क्यों? मिस्टर ललित कपूर, जज हाई कोर्ट, प्लीज मीट यू सर। हाथ उठाओ ललित कपूर, हाथ उठाओ। प्लेजर मीटिंग यू। महाराज की जय हो। ना आपने इस जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया होता, ना हमें आपकी सेवा करने का मौका मिलता। खास मेहमान हैं आप हमारे, खास मेहमान, इसीलिए आप लोगों को खास जगह पर रखा जाएगा। बाकी लोग यही रहेंगे। और हाँ, अगर इनमें से कोई पिटके तो गोली मार देना। चलो चलो, उफ, उफ, उफ। ये इस पैलेस का ब्लूप्रिंट है जो हमने टाउन प्लानिंग से मंगवाया है। ये सामने का दरवाजा है जो हमें यहां से नजर आ रहा है। इस पैलेस में घुसने के दो और रास्ते हैं, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। सर हमने चारों बाजू को इंस्पेक्ट किया है, चारों तरफ उनके लोग तैनात हैं। इनफैक्ट अगर आप यहां से छत पर भी देखें ना सर, तो वहां भी आपको उनके लोग नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी हम जाएंगे तो हमें मुठभेड़ तो करनी ही पड़ेगी। यस सर। त्यागी साहब, मेरे ख्याल से मुठभेड़ करना ठीक नहीं होगा। क्यों? देखिए बात सिर्फ अंदर जाने की नहीं है, ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हमारी छोटी सी गलती कई जानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन हम तमाशा तो नहीं देख सकते? लेकिन सर मुठभेड़ करना सही रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे केसेस में नीति से काम करना चाहिए। हम किसी को देश का गला पकड़कर ब्लैकमेल करते हुए भी तो देख नहीं सकते। सर मेरा ख्याल है इंतजार कीजिए, ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है राजा, हमारी। मुझे तजुर्बा है ऐसे केसेस का। सर ये कोई आम केस नहीं है, यहाँ सवाल है बहुत सी मासूम जिंदगियों का, बहुत सी औरतों का, बहुत से आदमियों का, जिन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है, मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। इंस्पेक्टर गौतम। यस सर। ट्रिप्स को पोजीशन लेने को कहो। सर लेकिन सर आप मेरी बात। राजा प्लीज, मुझे अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांगूंगा। ओके सर। माँ भूख लगी। हाँ बेटा अभी देते हैं खाना, रो मत मेरा बच्चा। किचू करो ना तुम्हें, कितना कष्ट हो रहा है मेरी बेटी को। खबर भाई साहब, हमारा बच्चा। ए बैठ इधर। हमारा बच्चा भूखी है, आपका भी छोटा बच्चा होगा भाई साहब, प्लीज कुछ कहने लगे। खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठो इधर। बच्चा का तो ख्याल करो, कितना कष्ट हो रहा है उसको, कुछ तो दो। चुपचाप बैठे रहो, बोला ना। क्या ऑर्डर है सर? फायर। सर हमने कहा ना कि फायर। Yes, फायर। yes,
मैंने कहा था सर आपसे, ऐसे केसेस में आक्रमण की नहीं नीति की जरूरत होती है, नीति की जरूरत। और रिजल्ट आपके सामने, बेगुनाहों की मौत। दोबारा बंदूक उठाने से पहले सोच लेना, जान ले लूंगा मैं सबकी। किसी की भी जान नहीं लोगे तुम। राजा तुम भी यहाँ हो? हाँ मैं भी यहाँ हूँ कमांडर, और बेहतरी इसी में है कि तुम इस खेल को यहीं खत्म कर दो। खेल तो तब खत्म होगा राजा जब मेरी मांगे पूरी होंगी। हेलो हेलो हेलो, उन्होंने मेरे वायरलेस तक टेप कर ली है राजा, क्या करना चाहिए? सर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस केस को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कमांडर आ रहा हूं मैं। मैंने अपने कैमरे में जो कवरेज किया ना, उसे बेचकर मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। क्या हुआ? लाखों कमाएगा। नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था। कैमरा ला। कैमरा ला। कैमरा कैमरा नहीं देखा। कैमरा नहीं देखा। कैमरा नहीं देखा। कैमरा स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। हाई कमांड से बात करो मंत्री, और उनसे पूछो कि हमारी मांगे पूरी होंगी या हमें खून की नदियां बहानी पड़ेगी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लगाओ जल्दी फोन। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि उनके पास सिर्फ 6 घंटे हैं। Is it clear?